लिविंग एफिलिएट मैनेजर सुभाष शास्त्री। आज हम देखने जा रहे हैं उत्तान द्विजानु संचालन क्रिया। शुरू करते हैं। इसके लिए हम दंडासन में आ जाएंगे, जो हमारा प्रिपेरेटरी पोज होता है। द्विजानु, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा मित्रों, जानु को बोलते हैं घुटना, नी और द्वि मतलब दोनों, दोनों घुटने को संचालित करना है, एक्टिवेट करना है। तो आइए हम देखते हैं। ये दोनों पैर को हम फुट कर लेंगे, हाथ यहाँ रख लिए साइड में नितंबों के बगल में, और ये दोनों पैर एट ए टाइम सटा लेंगे अपने पैर में, जहां यहाँ इधर उठाएंगे ऐसे सपोर्ट देंगे, फिर से वापस यहाँ और ये ऐसे, ये एक रेप हुआ। इसी तरह से 10 रेप्स हमें मिनिमम करना है एक सेट में। तो आइए हम अब 10 रेप करते हैं, ठीक है। ये दोनों सपोर्ट ऐसे कीजिए, होल्ड, और ये अगेन होल्ड स्ट्रेच, अगेन होल्ड स्ट्रेच, 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 होल्ड सीधा छोड़ना, फिर सीधा। इस तरह से हम 10 रेप्स करेंगे मित्रों। इससे हमारे घुटनों का, कमर के दर्द, हमारे गैस्ट्रिक, पेट पर एक्स्ट्रा फैट जो है, टम्मी फैट, ये भी चले जाते हैं। इसी का दूसरा वर्सन बता रहा हूँ मित्रों, उत्तान द्विजानु संचालन क्रिया का ही दूसरा। पहला में हम पहले फोल्ड कर रहे थे, अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम पैर को उठा लेंगे, फिर फोल्ड करेंगे और फिर सीधा करेंगे। पहले हम उठाएंगे, फोल्ड, फिर सीधा। तो जानु संचालन क्रिया है, उसी का एक वेरिएंट है। पहले हम पैर उठाएंगे, फिर फोल्ड, फिर सीधा और फिर यहाँ रख देंगे। पहले उठाया, फोल्ड किया, फिर सीधा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फोल्ड, फिर सीधा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फोल्ड, सीधा, नीचे, ऊपर, फोल्ड, सीधा, नीचे, ऊपर, फोल्ड, सीधा, नीचे। इस तरह से हम 10 टाइम्स करेंगे मित्रों। 10 टाइम्स करने के बाद आपका ये घुटना, कमर का दर्द और ये एक्स्ट्रा जो फैट है, ये सब भी बर्न हो जाएंगे। तो आज हमने दो वेरिएंट देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।